नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि इस तरह का अपमान वो जारी नहीं रख सकते, इस तरह का अपमान पार्टी में सहन नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे। यानी कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले वक्त में नहीं रहेंगे। ये साफ तौर पर सोनिया गांधी को समझा दिया गया है। कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो सियासी घमासान जारी है वो अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने सोनिया गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि उनका जो अपमान हो रहा है वो जारी नहीं रख सकते हैं। यानी जिस तरीके से एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन इसको लेकर लगातार खींचतान जो है वो पार्टी में जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन किया है और आज शाम जो कांग्रेस पार्टी की पंजाब में विधायक दल की बैठक होनी है उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन पर यह बात कही है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो वो कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में अपना यह अपमान और सहन नहीं कर सकते। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ये सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। जिस तरीके का लगातार सियासी घटनाक्रम पंजाब में जारी है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मौजूद विधायक हैं उनकी लगातार बैठकें पंजाब में हो रही हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में जो विधायक हैं वो लगातार वहां बैठकों का दौर जारी है। शाम को पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन आपको बता दें उससे पहले यानी सीएलपी की जो बैठक होनी है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें उनके करीबी शामिल होंगे और कोई बड़ा फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ले सकते हैं। उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो साफ तौर पर कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। पंजाब का यह सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा, यह अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन साफ तौर पर बीते कुछ दिनों में जो बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बतौर मुख्यमंत्री सामने आए हैं, कांग्रेस नेता के तौर पर सामने आए हैं, वो अपने आप में बेहद अलग है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने अब मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान को लेकर बयान दिया हो, फिर चाहे वो जलियांवाला बाग को लेकर उनका बयान हो, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जलियांवाला बाग में जो सौंदर्यीकरण और जो काम बीजेपी की ओर से किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बाद साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था वो कांग्रेस पार्टी से अलग बयान था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो सौंदर्यीकरण था, ये जो नवीनीकरण था, ये जरूरी था। तो तमाम ऐसे बयान आए हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो या फिर पंजाब में बीजेपी की ओर से किया गया कार्य, केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर या फिर कोई बयान हो, तो ये तमाम बयान हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गांधी परिवार की चमचागिरी नहीं की। और शायद यही वजह है कि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे इस्तीफे की पेशकश कर डाली है, इस्तीफा उन्हें देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। ये दरअसल हाल ही में जो आपात बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें ये फैसला लिया गया है और उसके बाद से ही ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है पंजाब में फिलहाल ये तेज हो चुका है।
आपको बता दें इससे पहले भी एक बैठक हुई है जिसमें आपको बता दें इस बार 40 विधायकों द्वारा एक पत्र पर साइन किए गए हैं ये बताया जा रहा है। और इस पूरी मुहिम के पीछे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनके करीबियों को माना जा रहा है कि दरअसल वो इस तरीके से नहीं चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें, और यही वजह है कि इस तरीके के जो तमाम षड्यंत्र हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रच रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस जो आलाकमान है, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार राजधानी दिल्ली में उनसे मुलाकात की है, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद पर वो देखना ही नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि इस बैठक के बाद जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ये बता दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने कड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से सभी तरह की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान है जो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है। तो साफ तौर पर बैठकों का दौर लगातार पंजाब में जारी है, लेकिन इससे पहले खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने करीबियों और करीबी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और इसमें वो क्या फैसला लेंगे इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन कांग्रेस के ये मुश्किलें लगातार पड़ रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो लगातार केंद्र सरकार को घेरती नजर आती है, कांग्रेस पार्टी जो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन अगर उनके नेता सरकार की किसी नीति पर अच्छा बयान देते हैं, अगर सरकार की तारीफ करते हैं, तो उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। और पिछले कई दिनों में यह देखा गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने साफ तौर पर उनके कार्यों की तारीफ की है जो विकास कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं। और शायद यही वजह है कि जो गांधी परिवार की जो एक नीति रही है कि अगर उनके नीतियों पर कोई नहीं चलता है तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। ना सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ये हो रहा है बल्कि इससे पहले फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जितिन प्रसाद हो, तो तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के जो उन्होंने बीते दिनों गवाए हैं। और आने वाले वक्त में सचिन पायलट जो कि राजस्थान में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, वो भी लगातार गहलोत सरकार से नाखाश चल रहे हैं। तो पार्टी एक के बाद एक इन नेताओं से हाथ धो रही है, लेकिन साफ तौर पर ये जो खामियाजा है ये कांग्रेस को आने वाले वक्त में बेहद भारी पड़ेगा। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर रही है और क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा ये भी इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने यह साफ कर दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे तो फिर वो कांग्रेस से भी इस्तीफा देंगे और क्या बीजेपी में शामिल होंगे ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आने वाले वक्त में बैठकें होंगी और क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि आपको ये बता दें कि शाम 5 बजे जो विधायक दल की बैठक कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, सोनिया गांधी को फोन किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि वो अब पार्टी में और ज्यादा अपमान नहीं सहेंगे। तो फिलहाल पंजाब कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है वो शाम को होगी, लेकिन उससे पहले कैप्टन अमरिंदर ने एक बैठक बुलाई है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें प्रभारी महासचिव जो हैं कांग्रेस के हरीश रावत और महासचिव अजय माखन वो पंजाब पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू या फिर सुनील जाखड़ को वो अपना विधायक दल का नेता इस बैठक में चुन सकते हैं, यानी कैप्टन अमरिंदर का सीएम पद से इस्तीफा लगभग तय होना जा रहा है। जिस तरीके के लगातार जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है और जिस तरीके की नाराजगी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से फोन पर व्यक्त की है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी में उनका लगातार अपमान हो रहा है। और जाहिर तौर पर जब से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है उसके
बाद से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें, और यही वजह है कि इस तरीके का जो घमासान है वो फिलहाल पंजाब कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ G23 के वो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं जो लगातार कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक के बाद एक देश के बचे हुए जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसलते जा रहे हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो या उसके बाद राजस्थान हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस के भीतर ये जो अंदरूनी कलह है ये हर एक राज्य में देखने को मिल रही है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।